हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ स्टफ फलाहारी पैकेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी है। आप इसे इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई करें और आप इसे एडवांस में भी बना के रख सकती हैं। बस सर्व करने से पहले आप इसे फ्राई कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे जिन्हें हमने उबाल लिया है और छील लिया है। 6 बड़े चम्मच सौंग के चावल या फिर सामक के चावल का आटा लेंगे। 1 छोटी चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच पुदीना बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच अदरक ग्रेट की हुई, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 छोटी चम्मच नमक या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, आधा नींबू का रस लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। हमने तीनों आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें सौंग के चावल का आटा या सामक के चावल का आटा डाल रहे हैं। नमक डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, अदरक ग्रेट की हुई। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि आलू में जो मॉइस्चर होता है उसी से ही एक ये डो बन कर के तैयार हो जाएगा। हमें ये डो नॉर्मल चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ढक कर रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। ये 2 से 3 बड़े चम्मच रोस्टेड और क्रश की हुई मूंगफली ली है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच धनिया पुदीना की चटनी। आप ध्यान रखें कि ये गाढ़ी होनी चाहिए, इसमें पानी या लिक्विड ज़्यादा ना हो। हरा धनिया 1 छोटी चम्मच, पुदीना 1 छोटी चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग या आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच अदरक ग्रेट की हुई, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें सब सामान डालेंगे, जैसे मूंगफली, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, अदरक और ये धनिया पुदीना की चटनी डालेंगे। इससे हमारे स्टफिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और ये एक बाइंडिंग का काम भी करेगा। इससे सारी जो हम स्टफिंग करेंगे वो अच्छे से बंध जाएगी। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, तकरीबन आधी छोटी चम्मच, और ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। ये हमारा डो भी तैयार है और स्टफिंग भी। अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और डो में से एक थोड़ा सा बॉल बनाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे ऐसे फिंगर्स की हेल्प से हम इसको किनारों से पतला करेंगे। बीच से हमें थोड़ा मोटा रखना है और इस तरह से हथेली के बीच में रख के हम इसमें 1 से 2 चम्मच भर के स्टफिंग रखेंगे, और फिर हम इसे किनारों से उठाते हुए इस तरह से बंद कर देंगे, जैसे हम मोमोज़ या कचौड़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसी तरह से ही स्टफ़ करते हुए हमने सारे पैकेट्स तैयार करने हैं। ये आप देख सकते हैं हमने सारे पैकेट्स तैयार कर लिए हैं। अब एक कटोरी में मैंने सामक चावल का आटा लिया है और उसमें फोक ऐसे डिप करते हुए ये मैं पैकेट्स के ऊपर एक पैटर्न बना रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे ना बनाएं, लेकिन इससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है, मैं इसलिए बना रही हूँ। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो फॉक या कांटा आप लगाएं ज़्यादा डीप ना हो, वरना इसके अंदर अगर होल हो जाएगा तो इसके अंदर ऑयल भर सकता है। अब हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। आप इन्हें तेज आंच या फिर हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना पकाएं, वरना ये करारी बिल्कुल नहीं बनेंगी, थोड़ी सी सॉगी और थोड़ी सॉफ्ट रहेंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें धीरे से आराम से पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम इन्हें गोल्डन होने तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि नीचे से अच्छे से गोल्डन कलर की हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे।
आप इनके ऊपर पैटर्न भी देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे फलाहारी स्टफ पैकेट्स बनके तैयार है। मैं आपको इन्हें अंदर से दिखा रही हूँ। देखिए इस कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसमें जो अंदर की स्टफिंग का क्रंच है और जो चटनी का टेस्ट है मिलकर के बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।